नमस्ते, वेलकम टू माय ट्यूशन कॉलेज के रिव्यू। आज हम धोने आए हैं शामुक को, जो शामुक आंखों के रोशनी के लिए बहुत 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 अच्छी होती है, इसलिए हम शामुक को धोने आए हैं। और फिर रेसिपी दिखाऊंगी, पूरी पूरा 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 रेसिपी दिखाऊंगी, तो आप लोग देखते रहिए। तो हम शामुक को धोने के लिए आए हैं, खेलों के गाँव है ना, जो खेल के पत्थर है, हम वहाँ पर आए हैं शामुक को धोने। और थोड़ा जो ज़्यादा शामुक मिलेगी और शामुक को हम पूरा रेसिपी की कैसे बनाती है दिखाऊंगी आप लोगों को, तो आप लोग देखते रहे। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। धुंध में तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, क्या बताऊँ। प्लीज़ आप लोग एक एक लाइक कर दीजिए। सारे जगह धुंध, लेकिन कहीं भी शामुक इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर आ गई। ये पुल के नीचे जो शामुक रहती है, इसके पुल के नीचे आ गई। ये देखो कितना पानी गहरा है, फिर भी जा रहा हूँ शामुक की दुकान। ये देखो ये वाला शामुक मिल गया, थोड़ा ज़्यादा तो मिल रहा है। यहाँ पर कोई सारा है, यहाँ पर भी है। और अच्छा ना बोलने चाहूँ। शामुक है, और ये इसको बहुत सारे लोग इसे खाने से बहुत, क्या बताओ, कोई लोग ये नहीं खाते, बहुत सारे लोग ये नहीं खाते हैं, लेकिन ये खाने से आँखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है, इसलिए खाना चाहिए। अगर आप लोगों का आँखों का प्रॉब्लम है तो ये शामुक जो है आप लोगों को मिल जाएगी। थोड़ा कष्ट होगी धुंधने में, लेकिन मिल जाएगी। शहर में तो ये बहुत महंगा है, ये इसका दाम तो पूरा 1000 से नीचे नहीं होगा, 1000 से ऊपर ही होगा। तो आप लोग तो गांव में ही है, बहुत सारे लोग गांव में ही है, इसलिए गांव में ये धुनो, आँखों के रोशनी ठीक करो। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर भी यही बताएगी कि ये शामुक खाने से आँखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है। और हमें मिल गई ये शामुक, स्नेल्स बोलती है इंग्लिश में, तो ये स्नेल्स हमें थोड़ा ज़्यादा मिल गई। और अभी ये घर में ले जाओगे, पकाऊंगे, फिर आप लोगों को दिखाऊंगे कैसे ये बनाती है। और आप लोग पूरा रेसिपी देखते रहना, अगर आप लोग नहीं हो ना तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो घर पर आ पहुँची हम, ये लेकर ये शामुक को अच्छे से पहले सफाई कर लेना चाहिए, तभी ये सफाई करने के बाद इसे गर्म पानी में उबालना चाहिए। बाद में ये जो सफाई हो जाएगी ना, जो उसका जो गेंद लगे रहते हैं ना, वो गेंद सारे हट जाएगी, तभी ये पक सकते हो, बना सकते हो। तो ये हम अभी सफाई से धो लूँगी। Thank you.
टेस्टी है खाने में, आप लोग एक बार जरूर खाइए, तो खाकर बताइए कैसा लगे, तो जरूर बताना कमेंट पे, खाकर बताना अभी नहीं, जब आप लोग खाएंगे ना तब बताना कैसा लगे। तो आज के लिए देते हैं, बाय बाय। अगर आज वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करना, फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करना, तो आज के लिए सॉरी हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए नहीं, बाय बाय।